हाय दोस्तों, मैं हूँ अभी अलोना बीच पर और ये है बहोल फिलीपींस में। और मैं यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आया हूँ और मैं अभी आपको बीच साइड दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या है देखने के लिए। और हवा बहुत तेज चली हुई है, लेट्स सी। देखिए द बीच इज़ वेरी क्लीन, यहाँ की बीच बहुत क्लीन होती है और पानी भी बहुत बिल्कुल ब्लू है। और चलिए अभी यहाँ के जो खाने पीने के और जो होटल्स वगैरह हैं वो चीज़ें देखते हैं बीच पे, जो बीच फ्रंट व्यू देते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा जो है नॉन वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं खाने पीने के। नारियल पानी भी पी सकते हैं और सी साइड पे बैठ के आप यहाँ पर लंच डिनर जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। बार भी काफ़ी सारे हैं, मतलब कॉफ़ी शॉप्स हैं, बार्स हैं जहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर जल्दी आकर आप सनराइज भी देख सकते हैं और लाइक इवनिंग में आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। एंड नाइट में बहुत अच्छा माहौल होता है यहाँ पर, काफ़ी क्राउड होता है। अभी जो टाइम है 10 बजे हुए हैं तो अभी इतना ज़्यादा क्राउड है नहीं है, अभी टूरिस्ट आना स्टार्ट हुए हैं यहाँ पर। यू कैन सी, और अंडर वाटर वीडियो बनाने की सोच रहा था पर अभी इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है पानी क्योंकि लहरें काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बार्स बने हुए हैं। लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी क्योंकि हवा बहुत तेज है, साथ में शोर आ रहा है सी साइड से, पर नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है, देखने लायक है क्योंकि अभी क्राउड नहीं है, साइलेंट है बीच, मतलब क्राउड नहीं है तो देखने में थोड़ा क्लियर है सब कुछ। दिस वॉज द रेस्टोरेंट, हमने कल यहाँ पर लंच किया था इस रेस्टोरेंट में। लाइक छोटा सा रिजॉर्ट है और हम वहाँ पर बैठे थे। देखिए यहाँ पर ATM भी है अगर आप कैश विड्रॉ कराना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह है। यहाँ पर आप टैटू बनवा सकते हैं, मतलब अगर आपको शौक है टैटू बनवाने का तो आप यहाँ पर टेम्परेरी और परमानेंट टैटू वगैरह बनवा सकते हैं। आइसक्रीम वगैरह भी खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर करने लायक। रिजॉर्ट भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, आप रूम भी रेंट पे ले सकते हो, बाकी सारी अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। लोग आते रहते हैं आपके पास पूछने के लिए अगर आपको कोई वर्जिन बीच पे जाना है या लाइक मैनी एक्टिविटीज़ टू डू, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो और उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अगर आप राइड करना चाहते हैं या स्कूबा डाइविंग वगैरह करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक ये शानदार रिजॉर्ट है आप अगर देखना चाहो तो, और यहाँ पर एक शानदार रिजॉर्ट है मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए लोग कैसे आराम कर रहे हैं, यहाँ मजे कर रहे हैं काफी। और लोगों को देखकर मेरा भी मन हो रहा है डुबकी लगाने का, शायद मैं भी डुबकी लगाऊं, क्योंकि पानी बहुत अच्छा है और हवा चली हुई है तो मज़ा आएगा। और यहाँ पर ये एंड हो जाता है, मतलब जो होटल्स वगैरह हैं ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर। ज़्यादातर खाने की चीज़ें बैक साइड है जहाँ से मैं आया था। और पानी देखिए आप, पानी कितना क्लियर है, कितना साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ब्लू वाटर है, ग्रीन ब्लू कलरफुल एंड वाइट सैंड बीच है ये। लहरें मेरे पैरों से आकर टकरा रही हैं बहुत तेज तेज, मुझे डर लग रहा है कहीं कैमरा ना छूट जाए मेरे हाथ से। और देखिए क्लाउड, देखिए आप क्लाउड, बादल भी कितने शानदार लग रहे हैं, मतलब बीच साइड पे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और यू कैन सी द होराइजन, देखिए जैसे बादल बिल्कुल मिले हुए हैं यहाँ पर, बादल बिल्कुल मिले हुए हैं समुद्र से, ऐसे लग रहा है बिल्कुल, बहुत अच्छा व्यू है। साइड में सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। अभी मैं जो है बीच साइड पे वॉक कर रहा हूँ, बिल्कुल वेव्स आ रही हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मेरे जो शॉर्ट्स हैं, मेरा शॉर्ट्स भी बिल्कुल गीला हो चुका है अभी। देखिए बार बार मुझे नीचे देखना पड़ रहा है, मेरी जो फ्लिप फ्लॉप है वो भी निकल रही है बार बार। मजा आ रहा है व्लॉगिंग करने में भी, और सब कुछ बहुत शानदार है। मुझे थोड़ी हेजिटेशन होती है वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं एक परफेक्ट व्लॉगर नहीं हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ व्लॉगिंग करना, तो प्लीज़ सपोर्ट मी ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। देखिए लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी आनंद उठा रहे हैं लोग। मुझे लगता है मेरे को थोड़ा स्लो चलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ और लहरें आ रही हैं काफ़ी। देखिए मैं बोट राइड कर चुका हूँ, तो बोट राइड करने का मेरा मन नहीं हो रहा है, बस मेरे को अभी पानी के अंदर जाने का मन कर रहा है, पर उसके लिए मेरे को एक कैमरा कहीं पे रखना पड़ेगा।
अंडर वाटर वीडियो शूट करने के लिए भी मुझे अभी अपना दूसरे कैमरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा अंडर वाटर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा ये कैमरा वाटर प्रूफ नहीं है, G7X कैनन का। और देखिए, ओए बहुल बीच काफ़ी फेमस है, जैसे कि पलावन बीच हो गया अपना फिलीपींस में, लगभग उसी तरह की बीच है ये, काफ़ी फेमस है। और बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। कल रात जब मैं आया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मूड नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, पर आज थोड़ा सा हिम्मत हुई है वीडियो बनाने की, तो सोचा कि चलो कुछ तो शूट करते हैं। और अभी इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं है तो दिक्कत नहीं है अभी। देखिए पानी कहाँ तक आ रहा है। यहाँ पर बैठकर आप लहरों का आनंद ले सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज पैदल चल रहा हूँ, कोई दौड़ नहीं सकता, और आराम से बनाऊंगा तो ही वीडियो अच्छी बनेगी। मैं आपके लिए क्वालिटी वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मेरी वीडियो शायद थोड़ी बड़ी हो सकती है, और मैं बिल्कुल भीग चुका हूँ पीछे से, और मेरी शॉर्ट्स बिल्कुल गीली हो चुकी है। और देखिए यहाँ पर एक पुल जैसा कुछ बना हुआ है, इस पर आप चल सकते हैं और जंप कर सकते हैं इससे। और ये देखिए अलोना बीच। आई एम इन द वाटर नाउ। माय गुडनेस, मुझे नहीं लगता कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा एडिट करूँगा, क्योंकि ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख ही रहे हैं मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। पानी पैरों को छू रहा है मेरे, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। शायद आपको उस साइड थोड़ा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अभी अपोजिट में है सनलाइट, और पेड़ के नीचे नहीं देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर आप अपनी स्कूटर वगैरह पार्क कर सकते हो यहाँ पर ये ओनली 20 मिनट्स के लिए, आप 20 मिनट के लिए पार्क कर सकते हो। मैंने भी अपनी जो स्कूटर है रेंट पर ले रखी है, और मेरी स्कूटर मैंने ऊपर पार्क कर रखी है वहाँ पर, जहाँ इधर से हम आते हैं, यहाँ से ये बीच की एंट्रेंस है, तो मैंने वहाँ पर रास्ते में पार्क कर रखी है अपनी स्कूटर, और स्कूटर मैंने रेंट पर ले रखी है। मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आप स्कूटर रेंट पर ले सकते हो, या बाइक जो भी है व्हाटएवर, तो ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है, आप रेंट पे ले सकते हो, और पेट्रोल डलवा के आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हो 24 आवर्स, और मोर यू कैन यूज़, एक दिन के लिए या इससे ज़्यादा दिन के लिए आप रख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली चार्जेस होते हैं। अलोना ड्राइवर्स,
जब मैं कैमरे को बीच की साइड करता हूँ तो काफ़ी क्लीन व्यू आता है और मतलब बिल्कुल साफ दिखता है, और जब भी मैं इधर करता हूँ तो पता नहीं क्यों शेड डार्क हो जाती है। ऊपर की तरफ जा सकता हूँ, पता नहीं क्या हुआ, अभी चलते चलते रिकॉर्डिंग रुक गई थी शायद, पता नहीं आपने कहाँ तक लास्ट देखा होगा, पर कोई बात नहीं, मैं आगे से बना रहा हूँ अभी। मेरे को एडिट करनी पड़ेगी, वीडियो जोड़नी पड़ेगी, शायद टाइमिंग ख़त्म हो गया था जो वीडियो का था, शायद 20 मिनट तक की वीडियो बना सकते हैं बस, और टाइम ख़त्म हो गया था तो इसलिए कैमरा अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। तो मैं आगे जो वीडियो है इसको जोड़ दूंगा उसके साथ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कैमरा बंद हो जाएगा, पर पता नहीं कैसे। ये दूसरी साइड है, इससे पहले जो हमने देखा था ये उसके बिल्कुल अपोजिट साइड है। मैं अभी राइट साइड में जा रहा हूँ। गर्मी उतने ज़्यादा नहीं है अभी, क्योंकि टाइम अभी इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, 10:30 ही हुए होंगे मुश्किल से, 10:30-11:15। और थोड़ी सी प्यास लगी हुई है, शायद कोकोनट वाटर पीऊँगा अभी रुककर। और अंदर तो जाना ही जाना है 100%, बिना अंदर जाए बीच का मज़ा नहीं आएगा। हवा बहुत अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है, मैं तो फील कर रहा हूँ पूरा नज़ारा। देखिए शॉप कर सकते हैं शायद, शॉर्ट्स नहीं, ये सारी डाइविंग के लिए है, शॉपिंग तो आपको पीछे से करनी पड़ेगी बीच में एंटर करने से पहले। देखिए कितने सारी शिप्स बीच में ही छोड़ रखी हैं। और ये वाली साइड भी शायद मैंने सारी कवर कर दी है अभी, इधर रेस्टोरेंट वगैरह ख़त्म हो चुके हैं अभी, है नहीं। और तो दोनों साइड मैंने आपको दिखा दी है। ब्लू वाटर डाइव, भीड़ नहीं है यहाँ पर, शांति थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर, शायद मुझे अंदर जाना चाहिए पानी में इस साइड से, या फिर जहाँ पे क्राउड ज़्यादा उधर भी जा सकता हूँ, मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं है लोगों से, एंटी सोशल बंदा नहीं हूँ मैं। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, आई मीन